Different culture. Different traditions. Different people. All under one roof. Under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. I am Partha Sardi, Principal Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subject. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad. मैं तहसीलदार बल्लागुड़ा पूरी आवाम से ये गुजारिश करती हूँ, हम लोग जो COVID-19 के दरमियान ये खतरनाक बीमारी जो वायरस है उसको रोकने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम लोग पूरे लोकल लीडर्स, कॉरपोरेटर्स और मीडिया के ज़रिए ये मैसेज आवाम में देना चाह रहे हैं कि आप लोग ये वायरस को रोकने के लिए थोड़े स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स हैं बाहर मुल्क से अपने देश के अंदर और अपने सिटी के अंदर आए हैं, सब लोग अपने आप 14 डेज के लिए, मतलब 14 दिन के लिए घर पर बंद रखना चाहिए, और जितने भी कॉन्टैक्ट्स है वो बिल्कुल कम कर दीजिए, और घर में भी अगर है तो कोई एक अटेंडेंट का ही कॉन्टैक्ट लीजिए, नहीं तो हम लोग ये वायरस बाकी पूरे परिवार में फैलाने के चांसेस है और बाकी बाहर के लोगों को भी फैलाने के चांसेस है। इसलिए मेहरबानी करके जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, आपका इंटीमेशन पुलिस, लोकल SHO, रेवेन्यू, GHMC और मेडिकल ऑफिसर्स को दीजिए, ताकि वो लोग आपके घर आके, रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स आपके घर पर आके स्क्रीनिंग करेंगे। अगर आपको सिम्टम्स जैसे बुखार, सर में दर्द और खांसी है, तो ऐसे सिम्टम्स अगर आपको है तो आप इंटीमेशन देने से हम लोग टीम्स को भेजेंगे, वो टीम्स आके आपको स्क्रीनिंग करने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो होम क्वारंटाइन के लिए बोलेंगे। ये होम क्वारंटाइन 14 डेज का होगा, और होम क्वारंटाइन के बाद भी अगर ये सिम्टम्स कंटिन्यू होंगे और पॉजिटिव अगर केस निकला तो आपको आइसोलेशन सेंटर्स में भेजा जाएगा, जिधर आपका अच्छी तरह से इलाज होगा। और अपने पास ऑलरेडी 40 सेंटर्स तक ऑलमोस्ट ऑल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी आइसोलेशन वार्ड्स भी तैयार किए गए, जिधर आपका अच्छा खासा ट्रीटमेंट होगा। और आप लोग भी डरने की बात नहीं है, लेकिन चौकन्ना रहना ज़रूरी है। एक इंडिविजुअल अगर सिम्टम्स या सस्पेक्ट है तो इमीडिएटली अगर इतला कंसर्न ऑफिसर्स को कर दे तो आपकी देखभाल होगी और आपके परिवार के लोगों की देखभाल होगी, और आपके आजू बाजू जो पड़ोसी हैं उनकी भी देखभाल होगी। तो मैं ये गुजारिश करती हूँ आपसे, अगर एक भी पॉजिटिव केस सस्पेक्ट्स में से निकला तो उसके एक किलोमीटर दायरे के अंदर, अतराफ एक किलोमीटर दायरे के अंदर कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जाएगा, जिधर हर फैमिली की स्क्रीनिंग होगी और टेस्ट करेंगे। अगर उसमें से भी अगर कोई पॉजिटिव निकला तो उनको क्वारंटाइन करके आइसोलेशन सेंटर्स में भेजा जाएगा। मेहरबानी करके आप डरना नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का आप फुल सपोर्ट कीजिए। गवर्नमेंट अपने तेलंगाना सरकार इतनी अच्छे अरेंजमेंट्स करके क्वारंटाइन सेंटर्स में भी अच्छे खासे अरेंजमेंट्स किए गए, और आइसोलेशन सेंटर्स में भी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट जो दे रहे, तो इससे आपको डरने की बात नहीं है। लेकिन ये वायरस को फैलाने में आप रोकने की जिम्मेदारी आपके ऊपर ज़्यादा है, इसलिए आप इंटीमेशन ज़रूर दीजिए
ताकि रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स आपके पास पहुंचे, स्क्रीनिंग करे। और एक ये बात है, जितने भी होम क्वारंटाइन्स है वो लोग इसको वायलेट करके बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, इससे आप लोग जो वायरस है वो वायरस को बाकी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए अगर स्टैंपिंग आपके हाथ पे अगर किया गया और होम क्वारंटाइन के इंस्ट्रक्शंस दिए गए, आप इसको तोड़ के वायलेट करके आप अगर बाहर घूम रहे तो हम आप लोगों को अरेस्ट भी कर सकते हैं, आपको डिटेन भी कर सकते हैं। ऑलरेडी पुलिस को ये हम लोग इतला कर दिए कि अगर होम क्वारंटाइन पर्संस बाहर खुले आम घूम रहे हैं तो उनका डिटेंशन भी करने के पावर्स उनको है। तो इसलिए आप मेहरबानी करके हमको ये इस एस्पेक्ट में फुल सपोर्ट दीजिए। हम सब लोग आपके साथ हैं, दिन रात आपके सेहत के लिए, ये खतरे को रोकने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ आपसे हम लोग ये पूछ रहे हैं कि आप घर से बाहर मत जाइएगा। और एक ये बात है, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 22 मार्च के दिन सुबह 7 से लेकर रात को 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाने के लिए विनती की है। इसका मकसद ये है, ये जो वायरस है, जिधर भी बाहर जो वायरस ऑलरेडी पहुंच चुका है, वो वायरस रोकने के लिए, इसको कंटेन करने के लिए ये जो 7 to 9 hours का, मॉर्निंग 7 से लेकर रात को 9 बजे तक का जितना भी गैप पीरियड है उसके अंदर हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए कल कोई भी पब्लिक बाहर मत निकलिएगा, आपके घरों में बंद रखिए अपने आप। और जितने भी एसेंशियल सर्विसेज है जैसे कि दूध, सब्जी और न्यूज़पेपर्स, ये सर्विसेज वालों से भी ये गुजारिश है एजेंसी से कि आप ये पूरे सर्विसेज सुबह 5 से लेकर 6 या 6:30 बजे तक आप कंप्लीट कीजिए। 7 बजे से हर कोई अगर ये जनता कर्फ्यू में भाग लें तो हम लोग ऑलमोस्ट इस वायरस को ख़त्म करने के रास्ते पर हम लोग चल सकते हैं। तो मैं दोबारा पूरे आवाम से ये गुजारिश करती हूँ, हर एक को चौकन्ना रहना चाहिए। अगर ऐसे केसेस जो फॉरेन ट्रैवल के आपको रिपोर्ट हुए तो ये फॉरेन केसेस को भी आप लोग इमीडिएटली लोकल पुलिस में, रेवेन्यू में, GHMC और मेडिकल एंड हेल्थ में अगर रिपोर्ट करें तो हम लोग बाकी का पूरा इंतजाम हम लोग करेंगे। और आप पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इसके वजह से आप लोग डरने की भी ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सब लोग हमको इस बात में मदद कीजिएगा और हम लोग आपके साथ। थैंक यू।